गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आया हूँ रामबाग पार्क, जिसको पहले आरामबाग भी बोलते थे, तो उसका नाम चेंज होकर रामबाग पार्क कर दिया। ये बाबर ने बनवाया था गाइस। तो मैं इस रामबाग पार्क के अंदर जा रहा हूँ और मैं आपको आगे जाकर आगे का व्यू दिखाता हूँ गाइस। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इसके बैक का व्यू है। ये यहाँ पर बहुत ही बैठने की अच्छी जगह है और घास वगैरह हैं, और इसका भी अंदर का भी बहुत सारे पेड़ वगैरह हैं इसमें रामबाग पार्क में। मैं अंदर जाता हूं और आपको आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हम आगे दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है क्या नहीं है गाइस। इसके पीछे का व्यू बहुत अच्छा है, जैसे कि आप मेरे पीछे देखिए। अभी हम आगे जाते हैं, आगे जाकर आपको कंटिन्यू करते हैं वीडियो में गाइस। जो इसमें देखने की सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि इसके हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ से हमें पीछे का जो नदी वगैरह है वो बहुत अच्छी दिखाई देती है, जिसे यमुना नदी बोलते हैं। वो बिल्कुल बैक से बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। तो मैं आगे जा रहा हूँ और हम आगे कंटिन्यू करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए गाइस। ये देखिए इसके पीछे का व्यू कितना अच्छा है। ये रामबाग पार्क बहुत बड़ा पार्क है। ये आप लोग देखिए कितना पेड़ वगैरह, हरी भरी जगह है यहाँ पर, बहुत अच्छी जगह है। अभी हम सामने जाते हैं और आगे का इसका व्यू दिखाते हैं। ऊपर जा रहे हैं, मैं ऊपर जाकर वीडियो आपको कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। फाइनली गाइस मैं यहाँ आ चुका हूँ। इसके पीछे का मैं आपको बैक का व्यू दिखाता हूँ गाइस। ये इसके पीछे की यमुना नदी का व्यू है। ये यमुना नदी में पहले बहुत पानी था, अब तो बहुत दिनों से इसमें पानी वगैरह कम हो गया है। यहाँ तो बहुत अच्छा, ये मेरे ब्रिज देख दिख रहा आप मेरे पीछे, ये इसका ब्रिज वगैरह भी है। यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर लोग बैठ के सेल्फीज़ वगैरह लेते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है। सुबह लोग योगा वगैरह करने आते हैं, उसके लिए बैठने की यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा है रामबाग पार्क में। ये पार्क बहुत ही अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मैंने आपको आज रामबाग पार्क का ब्लॉग दिखाया। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।